हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नेपाल में तेज बारिश से कोशी नदी उफान पर है। 56 में से 38 घाटक खोले गए। जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की आशंका। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने का निर्देश। शुक्रवार सुबह से लगातार हो रही है तेज बारिश। यूपी के गोंडा जिले में सरयू नदी के उफनाने से आसपास के इलाकों में पानी भरा। गोंडा जिले में धान, गन्ने और सब्जी की फसल को बाढ़ से नुकसान पहुंचा। असम में तेज बारिश के चलते ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थान पर जाने के निर्देश दिए। पिछले एक हफ्ते से लगातार हो रही है बारिश। आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। यूपी के गाजियाबाद में भी मौसम ने ली करवट। देर रात हुई हल्की बारिश। चिलचिलाती गर्मी से लोगों को मिली थोड़ी राहत। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिजली गड़कने के साथ कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश। बारिश से तापमान में भी गिरावट। बद्रीनाथ मार्ग पर लामबड़गढ़ में टूटा पहाड़। टूटते पहाड़ की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। पहाड़ों का मलबा नीचे गिरने से सड़कें बंद। घंटों आवाजाही ठप रही। गुजरात में बारिश से आफत जारी है। भुज में तेज बारिश के बाद शहर में कई जगह जल भरा हुआ। लोगों को हो रही है दिक्कत। उज्जैन के एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी के वायरल वीडियो से कानपुर एनकाउंटर पर उठे सवाल। वायरल वीडियो में कहते नजर आए, हो सकता है विकास कानपुर पहुंचे ही नहीं। कानपुर के विकास दुबे का दो दिन पहले का महाकाल का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो मंदिर के अंदर खुलेआम टहलता और लोगों से बातचीत करता नजर आ रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के जज से विकास दुबे मामले की जांच की मांग। राहुल ने भी शेयर ट्वीट कर कहा, एक खामोशी से रुक गए कई सवाल। समाजवादी पार्टी का योगी सरकार पर सबूत मिटाने का आरोप। अखिलेश यादव ने कहा, विकास दुबे के साथ वो सभी सबूत भी मिट गए जिससे अपराधियों, पुलिस और सत्ता में बैठे उसके संरक्षकों का पर्दाफाश होता। विकास दुबे के एनकाउंटर पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी उठाए सवाल। कहा, पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो जांच। कानपुर में विकास दुबे के एनकाउंटर पर मचे सियासी बवाल के बीच यूपी एसटीएफ का बयान। कहा, अचानक गाय भैंसों के झुंड के रास्ते में आने की वजह से एक पलटी गाड़ी। कल सुबह यूपी के कानपुर में 8 पुलिस वालों को मारने वाला विकास दुबे मारा गया था। पुलिस के मुताबिक उज्जैन से कानपुर लाते वक्त कानपुर के पास पुलिस की गाड़ी पलटी। भागने के दौरान हुई मुठभेड़ में पुलिस ने ढेर किया। पुलिस के मुताबिक कानपुर से करीब 15 किलोमीटर पहले भौती में पुलिस की गाड़ी पलटी तो विकास ने हथियार छीनकर फायरिंग की और भागा। तब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और गोलियां चलाई। एनकाउंटर को लेकर पुलिस की भूमिका पर उठ रहे हैं सवाल। एनकाउंटर वाली जगह से 5 किलोमीटर पहले ही मीडिया की गाड़ियों को रोक दिया गया था। बाद में एनकाउंटर की सूचना आई। कानपुर के भैरव घाट पर हुआ विकास का अंतिम संस्कार। शमशान घाट पर विकास की पत्नी ऋचा और बेटा भी पहुंचे। पत्नी ने कहा कि जिसने गलती की उसे सजा मिली, ठीक हुआ। विकास के पिता रामकुमार ने बेटे के मारे जाने पर कहा, जो हुआ ठीक हुआ, मेरा कहना मानता तो आज उसकी ये दशा नहीं होती। पिता ने कहा, उसने हमारी मदद कभी नहीं की। पुलिस के मुताबिक विकास दुबे की फायरिंग में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। 2 को गोली छू कर निकली। 3 इलाज के बाद खतरे से बाहर। विकास दुबे के एनकाउंटर पर शहीद पुलिस वालों के परिजनों ने जाहिर की खुशी। कहा, जो हुआ अच्छा हुआ। कहा, बाकी बचे साथियों पर भी जल्द कार्रवाई हो। विकास दुबे के मारे जाने के बाद कानपुर के शिवली गांव में जश्न। इसी गांव के ललन वाजपेयी पर राजनीतिक लड़ाई के चलते विकास कर चुका था हमला। गांव के लोगों ने खुशी में दिवाली भी मनाई। विकास दुबे के बिकरू गांव में पुलिस लाउडस्पीकर से कर रही है मुनादी। पुलिस वालों से लूटे गए हथियारों के बारे में 24 घंटे के अंदर जानकारी देने की अपील की जा रही है। किसके पास है वो 24 घंटे के अंदर पुलिस को सूचना करे। चीनी सेना गलवन में फिंगर 4 से अपना कैंप पीछे हटाकर फिंगर 5 पर ले गई है, लेकिन चीन के कुछ सैनिक अभी भी फिंगर 4 की रिज लाइन पर कब्जा किए हुए हैं। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते कोर कमांडर स्तर की बैठक है, जिसमें डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया के दूसरे चरण पर चर्चा होगी।
सूत्रों के मुताबिक एलएसी पर तनाव के बीच भारत चीन की सेनाओं की गश्त पर अस्थायी रोक, भविष्य में झड़प की स्थिति ना हो इसलिए फैसला। चारों विवादित फ्लैश पॉइंट्स पर पीछे हट रहे हैं सैनिक। भारतीय सीमा पर प्रबंधन को लेकर सेना के 144 रिटायर्ड अधिकारियों ने लिखी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी, चूक की जिम्मेदारी तय करने की मांग। पीएसी नहीं करेगी पीएम केयर फंड की जांच, सूत्रों के मुताबिक बैठक में विपक्ष नहीं बना पाया जांच के लिए दबाव। पीएम मोदी ने एमपी के रीवा में 750 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने आशा जताई कि आने वाले समय में देश में सोलर एनर्जी से मेट्रो ट्रेन भी चल सकेंगी। केरल में सोना तस्करी केस पर सियासी हंगामा जारी है, बीजेपी युवा मोर्चा ने केरल की सड़कों पर प्रदर्शन किया, सीएम का इस्तीफा मांगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट की जुबान फिसली, गलती से सीएम शिवराज और योगी को देश के लिए कलंक बता दिया। मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऐसे लोग समाज के लिए कलंक हैं। यूपी पीसीएस परीक्षा 2018 के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज किया। यूपी पीसीएस 2018 के इंटरव्यू कार्यक्रम में हुआ बदलाव, 13 जुलाई को होने वाला इंटरव्यू 10 अगस्त को होगा, 14 जुलाई वाला इंटरव्यू 11 अगस्त को होगा। सोनी लाइव के कार्यक्रम से जुड़े प्रमोशन कॉल पर मुंबई पुलिस ने किया ट्वीट, कहा परेशान करने वाले कॉल पर होगी कार्रवाई। देश में आज 8 लाख के आंकड़े को पार कर सकता है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, अब तक 7,93,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव, 21,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। देश में तेजी से बढ़ रहा है मरीजों का आंकड़ा, पिछले 24 घंटे में एक दिन में सबसे ज्यादा 26,500 कोरोना के नए केस आए। देश में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद पर बोले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, कहा अब 62% लोग ठीक हुए हैं, कोरोना अब कम जान ले रहा है। एम्स ट्रॉमा सेंटर के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को हटाने का आदेश, 6 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव पत्रकार ने एम्स की बिल्डिंग से कूदकर दे दी थी जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,862 नए मामले सामने आए, 226 लोगों की मौत, पूरे राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 238,461, 9,893 लोगों की मौत। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 1,337 नए मामले आए, इस दौरान 73 लोगों की मौत, कुल मामले 90,000 के पार, 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत। यूपी में बीती रात 10 बजे से शुरू हुआ लॉकडाउन, जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी लेकिन बाकी लोगों के आने जाने पर रहेगी पाबंदी, बंद रहेंगी दुकानें और बाजार, सरकार ने इसे प्रतिबंध नाम दिया है जो सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। अब यूपी में मास्क ना पहनने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, 100 रुपए के बजाय 500 रुपए लगेगा जुर्माना। दुनिया में कोरोना वायरस पर नहीं लग पा रही लगाम, कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या 1,20,00,000 के पार पहुंची, पिछले 6 हफ्ते में दोगुने हुए हैं केस। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के चलते अस्पताल की पार्किंग में टेंट लगाकर इसे कोरोना वार्ड में बदला गया। दक्षिण अफ्रीका में कड़ाके की ठंड पड़ रही है इसलिए लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। चीन ने कहा है कि अगर अमेरिका वास्तव में दुनिया में कोरोना को लेकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहता है तो उसे WHO के साथ सहयोग करना चाहिए। अमेरिका ने WHO से रिश्ते तोड़कर उसकी आर्थिक मदद बंद कर दी है। अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन दीक्षांत समारोह का आयोजन किया, मेडिकल में स्नातक करने वालों को डिग्री दी गई। हांगकांग में फिर बढ़ाई गई गर्मी की छुट्टी, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया गया फैसला। कोरोना के कहर के चलते अमेरिका के फ्लोरिडा में मनाया जाने वाला फैंटेसी फेस्ट इस बार रद्द कर दिया गया है। इस फेस्ट के दौरान लोग रंग बिरंगी ड्रेस पहनकर सड़कों पर डांस करते हुए निकलते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने डेमोक्रेटिक के राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बाइडेन की नई आर्थिक योजना पर निशाना साधा, कहा मेरा प्लान चुराया लेकिन कोई फायदा नहीं। लेबनान की राजधानी बेरूत में अमेरिकी दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने लेबनान में अमेरिकी दखल का विरोध किया।